हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरी साइकिल और कोरी हेल्थ साइकिल। करेक्ट। तो इस कोरी साइकिल और कोरी हेल्थ साइकिल को अपन एक शॉर्ट ट्रिक से, एक गाने से याद करेंगे। जनरली गाना सुनते हैं अपन चोरी चोरी चुपके चुपके। करेक्ट। तो उस गाने को यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो उससे मैंने एक ट्रिक बनाई है चोरी चोरी चुपके चुपके गाने से। चोरी चोरी ऑल गोज टू लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ मीठी सुगर। मैंने क्या बोला? चोरी चोरी ऑल गोज टू लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ मीठी सुगर। चोरी चोरी से अपन याद करेंगे कोरी और कोरियल साइकिल। तो जहाँ पे भी चोरी चोरी दिख जाए उसका मतलब है कि यहाँ कोरी और कोरियल साइकिल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ओल है, ये ओल का मतलब है एक, एल का मतलब है एलेनिन अमीनो एसिड, और एक एल का मतलब है लैक्टेट। करेक्ट। और ये जो एलेनिन जो ओल है, मतलब एलेनिन और जो लैक्टेट, ये दोनों के दोनों हमारे लीवर के पास जाते हैं, और लीवर के पास जाके एक ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं जिससे एक ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है जनरली। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हमारे एक हिल्स की तरह दिख रहा है, पहाड़ की तरह दिख रहा है जनरली। तो हिल्स की तरह दिख रहा है ये लीवर का स्ट्रक्चर, तो यहाँ सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, अब ये तो अपन ने बात कर ली, अब डिफरेंट क्या है कोरी साइकिल और कोरियल साइकिल का। इनके अंदर डिफरेंस ये है कि दोनों के अंदर ये तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। और मीठी शुगर क्या है? एक तरह का ग्लूकोज। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जब दोनों के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट बस इतना सा है यार कि कोरी साइकिल के अंदर जो ग्लूकोज बनता है वो लैक्टेट से बनता है, और जो कोरी हिल साइकिल के अंदर जो ग्लूकोज बनता है वो एलेनिन से बनता है। तो ओल के अंदर जो एक एल है ये लैक्टेट वाला, ये लैक्टेट से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर कोरी साइकिल होगी। बट अगर इस एल का मतलब है एलेनिन, अगर एलेनिन से सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का, तो वहाँ पे कोरी हेल्थ साइकिल होगी। करेक्ट। उसके बाद में ये है कि जो अपन ने अभी अभी कहा कि जो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है हमारे लीवर के अंदर, वो जब ग्लूकोज तो बन गया हमारे लीवर के अंदर, फिर जब ग्लूकोज लीवर के अंदर बन जाता है तो उसके बाद में जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता है बाय स्केलेटन मसल्स, मतलब स्केलेटन मसल्स है जो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो ग्लूकोज का यूज़ में लेता है उसका यूटिलाइजेशन करता है, और फिर से वो दोबारा से ओल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एलेनिन और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है यार, ये जब ओल है एलेनिन और जो लैक्टेट है, ये दोनों जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ये तो होता है हमारे लीवर के अंदर, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हुआ है यहाँ पे। तो बट अगर ग्लूकोज से फिर फॉर्मेशन होने के बाद हमारे जो स्केलेटन मसल्स हैं वो उसको यूटिलाइजेशन करते हैं उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करता है तो वो ग्लूकोज को वापस ओल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एलेनिन और लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। तो जब ग्लूकोज एलेनिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लूकोज से एलेनिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोरियल साइकिल है। बट ग्लूकोज से लैक्टेट बन रहा है, वहाँ पे उल्टा था यार, यहाँ पे उल्टा कर दिया बस। यहाँ पे लीवर की बात कर नहीं कर रहे, अब स्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ग्लूकोज से लैक्टेट बन रहा है तो आपकी बार कोरी साइकिल है। करेक्ट। ये डायग्राम भी वही चीज़ें शो कर रखा है कि हमारे जो लीवर है उस लीवर के अंदर जब ओल है, मतलब जो लैक्टेट और जो एलेनिन है, इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है,
कि जो ओल है एलेनिन और जो लैक्टेट के पाइरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब पाइरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं उसके बाद में पाइरुवेट से G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरी चीज़, एक तो लैक्टेट और एलेनिन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक डायरेक्ट सॉरी इनसे G6 ग्लूकोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक डायरेक्ट ग्लाइकोजन प्रोसेस हुआ और उससे भी डायरेक्ट ग्लूकोज बन सकता है। उसके बाद में होता क्या है यार, कि एलेनिन जब पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ एक एंजाइम्स होता है ट्रांस अमीनेस, ये जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ एंजाइम्स के बारे में बात हो रही है, करेक्ट। अब जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जनरली एनर्जी का, तो एक NADH2 की जनरली प्रेजेंट होता है, इसको अपन नाडू से याद करेंगे यार, और ये लड्डू का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एक तरह का मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर रहा है, नाडू से याद करें। उसके बाद में फिर ये ग्लूकोज बन गया यहाँ पे लीवर के अंदर, फिर वो हमारे मसल्स के अंदर जाता है यूटिलाइजेशन करने में, हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर यूटिलाइजेशन उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो किसके द्वारा जाना पड़ता है उसको, हमारे ब्लड के द्वारा जाना पड़ता है। फिर जब मसल्स के अंदर आ गया तो मसल्स के अंदर ग्लूकोज वापस लैक्टेट और एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में ये ग्लूकोज है पहले G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वहीं से ये ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है वापस पाइरुवेट्स, और फिर ये मतलब इसका उल्टा अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे भी पाइरुवेट अगर एलेनिन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ एलेनिन अगर पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है ट्रांसमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे अगर पाइरुवेट अगर एलेनिन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ ट्रांसमिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट है, मतलब ट्रांसमिनेशन प्रोसेस हो रहा है। दूसरी बात कि यहाँ एनर्जी का फॉर्म हो रही है, यहाँ एनर्जी बन रही है क्योंकि ग्लूकोज बनाना है अपन को, बट यहाँ ग्लूकोज का डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, करेक्ट। तो यहाँ एनर्जी यूटिलाइज होगी, करेक्ट, इसलिए NAD होगा प्रेजेंट होगा यहाँ, जबकि यहाँ पे NADH2 है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद में एक चीज़ देखते हैं कि सब लैक्टेट्स है, अगर ये वाली जो अपन बोलते हैं कि ग्लूकोज, जब लैक्टेट की अगर बात की जाए तो लैक्टेट से अगर ग्लूकोज बनता है तो मैंने कहा था कि कोरी साइकिल है, अगर एलिनिन से ग्लूकोज बनता है मतलब वहाँ कोरी हिल साइकिल है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बारे में बात करता हूँ, अब उसके बारे में क्या है, वही चीज़ें सेम चीज़ लिखी है कि कोरी साइकिल के अंदर तो लैक्टेट है वो हैंड ओवर्स होता है टू लिवर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सिंथेसिस करने के लिए कोरी साइकिल के अंदर लैक्टेट हैंडओवर होता है, जबकि कोरियल साइकिल के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस करने के लिए एलेनिन हैंडओवर होता है। उसके बाद में एक और चीज़ है कि पाइरुवेट्स मॉलिक्यूल्स हैं, पाइरुवेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है CH3CO C डबल ओ माइनस। जब पाइरुवेट्स जब एक एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, एलेनिन एक तरह का अमीनो एसिड है, इसके अंदर जब कन्वर्ट हो जाता है तो एक एंजाइम्स की हेल्प से कन्वर्ट होता है, वो एंजाइम से ट्रांसमिनेशन TA। तो इसको याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक दी है, वो है PA का TABL, करेक्ट। P मतलब पाइरुवेट, A मतलब एलेनिन का TABL मतलब ट्रांसमिनेशन, करेक्ट। तो PA का TABL से याद करेंगे मतलब पाइरुवेट एलेनिन में कन्वर्ट होता है किसकी हेल्प से, ट्रांसमिनेशंस की हेल्प से, एक एंजाइम्स की हेल्प से, और ये एक तरह के अमीनो एसिड है एलेनिन्स। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स।